नमस्कार मित्रों जय माता दी माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं आज के वीडियो मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आज के दिन का क्या रहने वाले आपका भाग्यशाली रंग और क्या रहेंगे आपका भाग्यशाली अंक और आज का या कैसे रहने वाली हैं और आज का दिन आपको कैसे कार्य करना है और आज का दिन आप सभी को किन किन चीज़ों से आपको लाभ मिलने वाली है और किन किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है वीडियो को पूरे अंत तक देखें और वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जय माता दी और अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बेलाइक को प्रेस करें कि ताकि रोजाना राशि फल को समय समय पर मिल सके आज आप प्रयासित रूप से काफी खर्च भी हो सकते हैं आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है लेकिन आपको अच्छी लगती है जिससे कि आपकी वृत्ति स्थिति काफी प्रभावित भी होंगी और अपनी इस खर्च को करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें तो दिन शांति से गुजर जाएंगे आपको भी आज के दिन कुछ नई वीरते और योजना भी पता चलने वाली हैं आज अपनी और सर्वोत्तम सेहत में हैं और अब समय नए लक्ष्य तय करने के लिए भी खुद को भी अधिक और सख्त कार्यक्रम के अनुसार ढालने के लिए भी बिल्कुल उपयुक्त हैं एथलीटों के लिए भी और आज के दिन शारीरिक परिश्रम से जुड़े अन्य लोगों के लिए भी आज विशेष और सफलताएँ मिलनी तय है तनाव तो रहित रही सक महसूस करने से आपकी मानसिक सेहत के भी काफ़ी अच्छी रहेंगे आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी अपने जोश और राशावादी दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावित करेंगे जिससे कि भी और उनको भी और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी होने की भी परिणाम मिलने वाली हैं आज आपके कार्ड के, के अनुसार अपनी मुलाकात किसी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती हैं यह मुलाकात काफ़ी उत्कट और अंतर्गत भी हो सकती हैं इसलिए अपनी भावनात्मक बाधाओं को भी एक तरफ करके दिन की भरपूर फायदे उठाने के बारे में सोचें अगर वह व्यक्ति जाना चाहे तो और उसे रो ना रोकें वह वा वापस आपके पास आएंगे उसे आप अपनी अहमियत को समझाने का मौका दें अब आपके करियर के लिए कितनी बाधाएं आती हैं और इससे और को, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उन सब बाधाओं को भी पार कर पाएंगे और आज जैसे कि और कभी थी ही नहीं सफलता अब सजाता से भी आएंगे लेकिन आपको अति आत्मविश्वास की भावना से बचना होगा आपको यह भी एहसास भी और आपके क्लिक करने की ज़रूरत है कि भाग्य की भूमिका भी उतनी है जितनी आपकी क्षमता लेकिन यह जोरी नहीं है कि भाग्य हमेशा आपका साथ दे और आज के दिन मेष राशि वाले जातकों के लिए भी दिन और करियर के मामले में से और अपने कुछ खास नहीं है आज का दिन व्यापार में भी और धीमी चाल को भी दर्शाने वाला रहेंगे किस्मत साथ नहीं देंगे और आपको मेहनत का भी फल अपेक्षा और के भी अनुरूप नहीं मिलने वाली है बिजनेस कर रहे लोग भी किसी को भी पार्टनर्स बनाने के लिए भी पहले उसकी जांच पड़ताल अवश्य करें नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे लोगों के लिए भी आज कोई भी शुभ सूचनाएँ भी सुनने को मिल सकती है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होंगी कर्मचारी और अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे नौकरी भर के लिए लोगों के बीच में भी आलस भी और देखने को भी मिलने की आवश्यकताएँ भी होने वाली हैं और आज के दिन गिरस्थ जीवन में और आपके अपने साथी के साथ किसी बात को लेकर तनाव तो तनी हो सकते हैं लेकिन उसमें से आपको मामले में धैर्य और सुलझा भी और नहीं भी हैं तो लड़ाई लंबी चल सकती हैं आपको पारिवारिक रिश्तों में से आज मधुरता बनाए रखनी भी होंगी और आज के दिन और सर्दी के भी और इस मौसम से सेहत का भी खास ख्याल रख रखें शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द भी हो सकते हैं योग प्रणाली यदि करना लाभकारी होंगे तो ठंडी चीज़ें से भी वक्त भूल कर भी ना करें और ना खाएं तो बेहतर रहने वाली हैं उगते हुए सूर्य को भी आज के दिन जल चढ़ाएं गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और आज लड्डू को भी गणपति को भी भोग लगा दें तो आज आपके ऊपर जो भी मनोकामनाएं थी वह मनोकामनाएं आज, आज आपकी पूर्ण होते हुए चले जाएंगे जो भी परेशानियाँ थी वह भी दूर होते हुए आज के दिन चले जाएंगे पीढ़ी मेष राशि वाले जातक चंद्रमा की वृष राशि में मौजूद होने के कारण आप चिंतन और परेशान महसूस करेंगे या आपके कार्यों में नज़र आएगा और आपके आसपास सभी लोग भी और इसके गवाह भी बनेंगे पिछले कुछ समय से लगातार मेहनत करने के कारण से आप खुद कभी और बहुत ज़्यादा थका और चुके हैं और आपको भी यही सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह से के तनाव से भी और खुद को बचाने की भी कोशिश भी करनी होंगी अपने करीबियों के साथ में बाहर जाने से आप बेग्रही और तनाव से भी बच पाएंगे और समय बेहतर गुजरने वाली है आपका शुभ शाम समय शाम पाँच बजकर पंद्रह मिनट से लेकर शाम सात बजकर पंद्रह मिनट के बीच में भी रहने वाली है और इस समय आप जो भी कार्य करने के लिए और भी और योजनाएं बनाएंगे वह कार्य भी सफलतापूर्वक होंगे यदि आपके किसी के साथ में संबंध हैं तो आज के दिन आप भरपूर जोश के साथ मस्ती मारेंगे और आज के दिन साथ भी बैठकर पिछले यादों को दोहरा कर भी खुशी प्राप्त करने होंगे आज के दिन आप अपने अतीत के उन क्षणों का भी याद करें जबकि आपने और भरपूर मनोरंजन रहस्य मजाक और मस्ती भरा और मारी थी भरपूर स्वाद लेने के लिए भी यही उत्तम समय भी आपके लिए भी रहने वाली हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए आज साथियों के खिलाफ खिलाय खिफायत में से राज के दिन कारण आपको अपनी नई योजना के भी लागू करने में कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकते हैं समय की मांग ही यह है कि आपको अपना काम करवाने के लिए भी अपने दृष्टिकोण का भी बदलना चाहिए अपने प्रयासों में सफलता पाने के लिए भी मेहनत के साथ साथ में अपनी बुद्धि में और काम लेना होगा तभी जाकर सकारात्मक परिणाम मिलने के आसार भी बनने की आवश्यकताएँ होने वाली हैं मेष राशि वाले जातकों के भी और आज का दिन और आपके कड़ी मेहनत के बदौलत आपको अपने काम में सफलताएं भी मिलेंगी और काम के सिलसिले में आज का दिन बड़ा व्यय भी जाएगा लेकिन यह मेहनत बेकार नहीं जाएंगी आपकी आमदनी भी आज बढ़ने वाली है शायद वह कहीं से भी और कोई बोनस मिलने या कि फिर से कहीं पैसा भी लगा रखे हैं तो उसकी कीमत भी और बढ़ने की खबर मिले इसका आनंद उठाएं आखिर यह आपकी लंबी और कड़ी मेहनत का फल भी आपको मिलने की आवश्यकताएँ भी होने वाली हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छी सेहत के लिए भी आज आपका सावधानी बरतने की जरूरत है ध्यान रहे आप अपने किसी भी लड़ाई में ना फंसे जिससे कि आपके मानसिक परेशानी हो सके ध्यान रहे कि आप पौष्टिक और सुरक्षित खाना भी खाएं तो आपके लिए बेहतर भी रहने वाली हैं और आज के दिन और आपके लिए भी और अपने उत, दिन उत्तम रहने वाली हैं और आज जो लोग पर्यटन के क्षेत्र में जुड़े हैं उन्हें आज के दिन आर्थिक लाभ भी मिलेंगे आर्थिक पल्स भी मजबूत बना रहेंगे सही दिशा में मेहनत करेंगे तो जिससे ज़्यादा काम भी निपटा लेंगे और फल भी और आपके लिए अच्छे मिलने वाली हैं आज आप सम्मानित किया जा सकते हैं जो आपने और समाज की भलाई के लिए भी किए थे और नौकरी पैसा लोगों की बात करें तो आज आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन भी हो सकते हैं सामाजिक कार्यों के लिए भी सभी लोग भी आपकी और तारीफ कर सकते हैं आज आपके मन में बिजनेस को लेकर नए नए विचार आएंगे जिनसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कामयाब भी रहने वाली हैं और आप बिजनेस से संबंधी यात्रा पर भी जा सकते हैं जो आपके लिए भी काफ़ी अच्छी रहेंगी आज के दिन खुशियों से भरा रहने वाली हैं जीवन साथी के पर भी भरपूर सहयोग मिलेंगे परिवार की भलाई के लिए भी आप कार्य करते हुए नजर आएंगे घर में पूजा पाठ हवन पूजा आदि का भी आयोजन होगा जिसमें सभी लोगों के आना जाना भी लगा रहने वाली हैं और आज आपका मित्र भी और आपसे और मिलने के लिए भी आपके घर भी आएंगे